हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस मेरे पास है सी वी जेड एक्सट्रीम। सो उसका मेरे को इंजन गार्ड का कवर मिल नहीं रहा था, जो इंजन गार्ड में लगता है एक शॉप मिली है राजकोट में, जिसके पास स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं वो भी ओरिजिनल। ये देख सकते हैं आप, ये हीरो का है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, इसका हीरो की ब्रांडिंग है, इसका सीरियल नंबर है, ये पैकिंग का डेट है, और ये MRP देख सकते हैं आप 200 रुपये है। और ये बार कोड से आप इसे स्कैन कर सकते हैं, और ये इसका नंबर है, ये नीचे पूरा इंजन कॉल का नंबर दिया है और एक फ़ोन नंबर दिया गया है। तो गाइस ये हीरो का है इंजन गार्ड, जैसे छोटे छोटे स्पेयर हैं। ये गाइस 200 रुपये के अप्रोक्स है, जो सबसे बड़ा वाला है। और ये मैंने इनके कवर निकाल दिया है, ये नीचे लगेगा इस तरीके से। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसे असेंबल करके दिखाता हूँ। पार्ट में इस टाइप से आता है, ये ऊपर से लगेगा इसके, और ये नीचे यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया है, ये साइलेंसर रोड के लिए दिया गया है, जिसमें से साइलेंसर का पाइप आपका इजीली निकल जाएगा। और इसे गाइस आप लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगेगी लगाने में, क्योंकि बैठेगा नहीं, किसी लोकल गैरेज वाले से इसे लगा सकते हैं। 150 रुपये आपसे लेगा वो, और देखते हैं गाइस कैसा लगता है। अभी फिटिंग हो गया, आपको दिखाता हूँ बाइक। जैसे कि देख सकते हैं बिना इंजन गार्ड के कुछ इस टाइप से लुक आ रहा है इसका। अभी इंजन गार्ड लग जाएगा, काफ़ी ऑसम लुक हो जाएगा गाइस पहले के जैसे। गाइस ये भैया हैं, लगा रहे हैं गाड़ी। ये देखिए दोस्त, ऐसे लग सकते हैं गार्ड, यहाँ पे एक बोल्ट फंसा रहता है यहाँ पे। दोस्त ये है भैया की शॉप, और ये ज़्यादातर हीरो के पार्ट्स में ही डील करते हैं, और यहाँ पे सर्विस वगैरह हो जाएगी आपके, राजकोट में है ये। सो गाइस अब लगेगा इंजन का ठीक है। हाँ डन, तीन फ्रेम है ना भैया, क्लिप हुआ थी। मैं आपको बोल्ट की भी जरूरत होगी, भैया दिखाएंगे आपको ये देखिए। आप इन फायर थी, इस टाइप का बोल्ट लगेगा। और जब भी आप ये परचेज करते हैं कहीं से, तो इसका एक बोल्ट आप ले लें। तो भाई लोग फाइनली रेडी हो चुका है, ये देखिए भैया ने तैयार कर दिया है। ये इस तरीके से नीचे लग जाएगा, आप वॉशर सपोर्ट के लिए इसमें दूसरा वॉशर भी डालें भैया। फाइनली कंप्लीट हो गया। हाँ डन, दोनों तरफ से फिट हो गया है। एक तरफ से छोटा सा माइनर सा फर्क आ रहा है, तो इस पर कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। पता नहीं लग क्यों नहीं रहा है, ये है इसी का ही। लगने के बाद कुछ ऐसी फिनिशिंग आ रही है इसमें।